departure to join his office as the journalist. He's a very nice guy. So this is my entire casting crew of Archer. Thank you. I really thank everybody to be here. Ritu, over to you. Thank you. And on behalf of JR Entertainers and Raja Mukherjee, let's all give best wishes for Archer to become a big success. Another thing, I would like to just announce two things more. Aachal ke saath saath, mera ek aur show bahut jald aayega TV pe, Doordarshan pe. Show ka naam hai Sakshi. I have my few artists here of Sakshi also, and I am very happy that they have made it to be a part. So thank you very much, everybody. Please let's enjoy. The bar is open. Let's rock and let's have a good party now, yeah? And at last, I would like to thank Mr. P.K. Tiwari, the CEO of... दरअसल जब मैंने अभिनय शुरू किया था तो मैंने भोजपुरी से शुरू किया था. मैंने सबसे पहले भोजपुरी में बहुत नया काम किया था. बहुत बड़ी हिट फिल्म थी गंगा अवान रखी है, संजय वर्मा की लैंडमार्क फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री में. इससे मेरे लिए नया अनुभव नहीं है. ये सही बात है कि बम्बई में काम करते समय इस तरह के मौके नहीं आते थे, और इस तरह की फिल्में बहुत सारी बनती रही हैं. लाउड फिल्में या मेरे टेस्ट के हिसाब से बहुत सारी ऐसी फिल्में नहीं बनती रही हैं जिसमें मैं काम करूं. ऑफर आते रहे हैं. राजा जी का जब मुझे ऑफर आया तो ये सीरियल मुझे लगा कि शायद जिस तरह की मिट्टी हम लोग दूर से छोड़ के चले आते हैं महानगरों में रहते हुए, कई बार उसको फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, नहीं कर पाते. इस सीरियल को करते समय मुझे ये महसूस हुआ कि हम फिर से अपने गांव, अपने अंचल, अपने इलाके में हम पहुंच रहे हैं, और मेरा यह प्रयास, मेरी कोशिश इस सीरियल के जरिए वहां तक फिर से पहुंचने की है जो आज भारत के मेन स्ट्रीम सिनेमा से कट गया है. आज भारत का मुख्य धारा का सिनेमा जो है वो हॉलीवुड से बॉलीवुड चला गया है या लंदन चला गया, अमेरिका चला गया है. हमारे यहाँ के जो विषय हैं वो माइनस हो. इसलिए नहीं हिट हुई है कि भोजपुरी फिल्मों में कोई बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारी हिंदी फिल्मों में हमारा हिंदुस्तान गायब हो गया और वो हिंदुस्तान भोजपुरी फिल्मों में दिखाई पड़ने लगा. इसलिए भोजपुरी फिल्में चलने लगी, एक बड़ा मार्केट क्रिएट हुआ, और आज तमाम बड़े बड़े एक्टर्स अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम लोग भोजपुरी फिल्मों में काम किया. हमने भोजपुरी फिल्म की थी, लोग कहते थे अच्छा भोजपुरी में काम किया, आज कहते हैं यार 10 भोजपुरी फिल्में मैंने की, तो बड़े फख्र से कहते हैं. तो मेरे लिए नया अनुभव नहीं है, मेरे लिए इसके जरिए फिर से उसी गांव में और उसी इलाके में उस मिट्टी में खुशबू मतलब एक मौका है जो मुझे राजा जी ने दिया है. मैं शुक्रगुजार हूँ, एक अच्छा किरदार दिया है. बाकी आप लोगों की शुभकामना. तो इस किरदार और आपका जो व्यक्तित्व है जी, इस दोनों में कोई समानता है? एट द सेम टाइम इसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं और एट द सेम टाइम ये मेरे से बहुत डिफरेंट है. सिमिलैरिटी ये है कि आजल अपने परिवार को बहुत प्यार करती है और मैं भी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. मेरी जिंदगी में मेरा सबसे जो मेजर इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो मेरा परिवार है, और आजल के लिए भी वो अपने फादर से बहुत अटैच है, और अपनी फैमिली के लिए वो किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करना चाहती है. उस मामले में मुझे लगता है आरती पुरी बहुत सिमिलर है आजल से, पर आजल के अंदर जो सहनशीलता है उसमें मुझे लगता है मैं कहीं अभी इतनी मचा नहीं रही हूँ कि आई स्टिल आजकल जिंदगी के किसी भी काम में कितनी भी मुश्किल आ जाए वो कभी भी उसको फेस करती है. वो शी हैज दैट पावर और वो हौसला नहीं छोड़ती है. आरती पूरी कभी कभी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते करते कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, आजकल नहीं डग.